तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CBT 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग को CBT 2 के बारे में पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग सब कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मतलब इसमें क्या होगा कि आप अगर देखेंगे गौर से तो आपका ग्रुप डी का सिलेबस और CBT 2 या CBT 1 लगभग सबका सिलेबस सेम है, इसीलिए हम अगर तैयारी ऐसा करेंगे कि हमारा ग्रुप डी भी निकल जाए और CBT 2 होगा, अगर इसमें CBT 1 में हम क्लियर कर लेते हैं तो CBT 2 भी हमारा आसानी से क्लियर होता है। तो हम सीधा CBT 2 पे फोकस करेंगे तो हमारा दोनों एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम उसी के ऊपर पूरे डिटेल में हम वीडियो आज इसी के ऊपर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बहुत लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, किन्हीं का 60 आ रहा होगा, 70 आ रहा होगा, 75 आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर मान लीजिए आपके मन में डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है, और दूसरा बात ये कि आप डाउट मत रखिए आपका होगा या नहीं होगा, कि कोई भी अभी कट ऑफ डिसाइड करना मतलब एक एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, लेकिन एक होता नहीं कि कभी कभी अनुमान से कम हो जाता है, अनुमान से ज़्यादा हो जाता है, तो वही बात है। तो हम उसके ऊपर बाद में ध्यान देंगे, पहले हम अपना तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि तैयारी अगर कितना भी कर लीजिएगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपका कभी ना कभी काम जरूर आएगा। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, कर लीजिए। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए CBT 2 के लिए। CBT 2 मतलब मान के चलिए कि CBT 1 से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टफ होने वाला है। टफ इस मामले में कि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है, मात्र 7 लाख इसमें विद्यार्थी आएंगे, तो 7 लाख विद्यार्थी में और सीट कितना है, 35,000 करीब। तो इसमें कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और कटअप भी बहुत हाई जाएगा, हाई उतना भी नहीं जाएगा जितना पिछले बार गया था, लेकिन फिर भी जाएगा क्योंकि लोग बहुत दिनों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो कटअप बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो हमारा प्लानिंग भी उसी अनुसार होना चाहिए। CBT 2 का तैयारी हम भी किए थे, तो हमारा कहाँ पे चूक हुआ था और क्या हुआ था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हुआ क्या था कि हम जो है थोड़ा सा क्या हुआ था कि लेट से तैयारी स्टार्ट किए थे। रिजल्ट आने के बाद हमको लग रहा था कि रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम रिजल्ट आने का वेट करते रहे, जिस कारण से थोड़ा सा कमी रह गया, ज़्यादा तो नहीं रहा, अगर दूसरा बोर्ड से रहते तो शायद हो भी जाता, लेकिन भुवनेश्वर बोर्ड था तो थोड़ा सा मतलब बोलिएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं है। तो हम इसीलिए हमको तैयारी थोड़ा सा पहले चालू करना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और एक बात और कि पहले हम स्ट्रेटेजी से पहले कुछ चीज़ को क्लियर कर दें, कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, कि नहीं कि आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक जल्दी लगा के ये सब करके मतलब इधर उधर ज़्यादा मत करिए, अगर शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करिए लेकिन बहुत लिमिटेड वे में, बहुत कम मात्रा में, और जहाँ तक हो सके कॉन्सेप्ट बेस्ड आप ज़्यादा जाएँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि होता क्या है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए आप बाय ब्रैग फार्मूला से आप मतलब फार्मूला बोले बाय शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो घुमा के थोड़ा दे देगा, तो नहीं बनेगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाएंगे तो हमारा अच्छे से तैयारी हो जाए। सबसे पहले हम CBT 2 का जो हमारा सिलेबस क्या है उसके वो देखते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस का काफ़ी ज़्यादा जोर है, कभी करीब 50 नंबर है, और रीजनिंग 35 और मैथमेटिक्स 35। तो टाइम कितना है, सेम टाइम है, मतलब 90 मिनट। मेरिट लिस्ट जो बनेगा हमारा CBT 1 से कोई मतलब नहीं है, तो CBT 2 के आधार पे हमारा मेरिट लिस्ट तय होगा। तो इसमें हम कुछ चीज़ पॉइंट को देख लेते हैं, कहाँ पे हमारा कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा वीक जोन है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत पसंद होता है, ज्योग्राफी बहुत पसंद होता है, मैथ्स बहुत पसंद होता है, लेकिन रीजनिंग पसंद नहीं होता है, तो बस जो पसंद है उसको बनाते रहे, ये बाकी सब छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सब पे समान समय दे, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको आपका इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा, आपको अलग अलग, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 3 सेक्शन में से 1 सेक्शन बहुत हार्ड दे देगा, बाकी 2 सेक्शन बहुत ईजी दे देगा, इसीलिए आप कम से कम अच्छे से मतलब नॉर्मल भी तैयारी रहेगा, अच्छा से तैयारी कर लेंगे तो आराम से आपका CBT 2 क्लियर हो जाएगा। तो हमारा 120 क्वेश्चन है, और टाइम कितना मिल रहा है, 90, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का है, जिसके लिए मात्र मान के चलिए 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, तो टाइम और इधर 70 क्वेश्चन हो गया, 70 10 80, फिर भी हमारे पास 10 मिनट बच रहा है, तो टाइम काफ़ी अच्छा है, एक क्वेश्चन के लिए हमारा 1 मिनट आराम से मिल जा रहा है। मतलब अगर हम रीजनिंग और मैथ का बात करें तो 70 क्वेश्चन 70 मिनट,
ठीक है, उधर हो गया आपका 50 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और 10 क्वेश्चन 10 मिनट फिर भी हमारे पास बच रहा है, तो एक मिनट में एक क्वेश्चन बनाने का हमारा टारगेट हमेशा रहना चाहिए, उससे कम में बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उस टाइम को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर मान लीजिए कोई लेंदी क्वेश्चन है तो उसमें हम यूज़ करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का खासा ध्यान रखें, भी एग्ज़ाम में आपका तैयारी अच्छा है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ भी आपका एक चूक हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा कॉपी बनाइए, सब कुछ एकदम प्लैंड वे में करिए कि एक कॉपी बनाइए, उसमें एक फर्स्ट पेज में पूरा अच्छे से सिलेबस को लिख लीजिए, एक दो तीन चार करके सिलेबस लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जितना एक फर्स्ट चैप्टर पकड़े, कोई भी एक चैप्टर पकड़े, एनालॉजी पकड़े, मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर पढ़े, सिलोगिज्म पकड़े, उसको अच्छे से उसको उसका थ्योरी कुछ समझ लिए, लिख लिए, उसके बाद उस पर बेस्ट पाँच क्वेश्चन बनाइए और आगे बढ़िए, सब चैप्टर जल्दी जल्दी कम्प्लीट, थ्योरी जल्दी जल्दी कम्प्लीट हम कर लिए पाँच क्वेश्चन बना के। तो इसको करने में करीब 15 दिन, अगर मान लीजिए 2 घंटा भी आप 15 दिन पढ़ते हैं तो आराम से आपका थ्योरी अरिहंत, मतलब कोई भी बुक से पढ़िए, कोई मतलब नहीं अरिहंत बुक से, कोई भी बुक मान लीजिए आपको जो पसंद है उसी बुक से पढ़िए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत यूट्यूब खोलिए और उसमें डालिए, अच्छा से अच्छा बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे सिलोगिज्म नहीं समझ में आ रहा होगा, एसर्शन रीजन समझ में नहीं आ रहा होगा, कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, कथन निष्कर्ष जिसको बोला जाता है, उसी तरह मैथमेटिक्स में आप एक RS अग्रवाल का बुक या फिर कोई भी बुक जो आपको पसंद अच्छा लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है और आने का चांस है, और CBT 2 में तो खासा चांस है आने का। तो इसका सिलेबस पहले लिख लिए, उसके बाद नेक्स्ट फिर सेम चीज़ स्टार्ट कर दिए, उसका थ्योरी लिखे कुछ, उसका जितना भी फॉर्मूला है उसको लिख लिए, उसके बाद आप उससे रिलेटेड कम से कम पाँच क्वेश्चन बना लिए, उसी एक और कॉपी मैथ्स के लिए अलग कॉपी बना लीजिए, उसमें अच्छे से पूरा पाँच क्वेश्चन बनाइए और थ्योरी में आगे बढ़िए, उसके लिए कम से कम 15 दिन मान के चलते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया, सपोज अभी ओलंपिक से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन करंट का आ रहा है तो उसको आप पढ़ लिए उस, लेकिन हाँ स्टैटिक GK क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टैटिक GK पर की खासा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा ना तो करंट से रिलेटेड आपका GK डाल दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपको मतलब करंट अफेयर्स का रहने वाला है, तो इसको अगर आप अच्छे से मजबूत कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे एक साल पहले तक आप कम से कम करंट अफेयर्स को तैयार कर लें, तो मेरा मानना है कि आप जो है जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, जनवरी 2021 फरवरी 2021 से स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक क्लियर कर लीजिए, और जब एग्ज़ाम होगा तो पिछले महीना जो क्लियर नहीं होगा उसको हम कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल एक कॉपी बनाइए, पतला सा सब छोटा छोटा कॉपी बनाइए और उसमें फ्रॉम मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब, कोई भी नहीं कि आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब लिखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस में एक और पार्ट आता है आपका जो GS होता है साइंस, साइंस पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा, साइंस में वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, और उसका जो लूसेंट का जो बुक आता है उसी से आराम से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद आप जितना हिस्ट्री है उसको पढ़ लीजिए, तो उसको 15 दिन में उसको भी 2 घंटा उसको भी रखिए और 1 घंटा करंट अफेयर्स पे दीजिए, तो 15 दिन में आप मान के चलिए आप जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है तो जब आप प्रैक्टिस कर, सप्ताह में एक दिन ब्रेक लीजिए और साथ में एक प्रैक्टिस पेपर प्लस उसका आपका अच्छे से एनालिसिस करिए, बहुत ज़रूरी है, सप्ताह में अभी एक बनाइए। उसके बाद जैसे ही आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही फिर से हम क्या करेंगे, हम अपना प्रैक्टिस कम से कम 15 दिन लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, कम से कम एक ज़्यादा एक लगाइए, कम से कम अच्छे से उसका एनालिसिस करिए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए, उसके ऊपर मान लीजिए कोई थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बुक से का मदद लीजिए, यूट्यूब का मदद लीजिए, लेकिन उसमें जो आपको 120 क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्लियर करिए, भले एक दिन लगे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में 4 मॉक टेस्ट बनाने से अच्छा है एक मॉक टेस्ट बनाइए लेकिन उसको अच्छे से उसका एनालिसिस करें। तो 15 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा आपका तो सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, जब तक हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या CBT 1 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तो ऐसे हम कर लेंगे ना, तो हमारा मतलब क्या बोले सब कुछ ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और हम मान के चलते हैं कि कोई भी अगर आप
यही नहीं कि अभी से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो पहले से ही कर रहे होंगे, लेकिन इस कोर्स को आप 15 दिन का आप मान के चलिए खुद का एक कोर्स बना लिए 15 दिन का और उसको क्लियर कर, कम से कम मान के चलिए आप पर डे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो आप कभी ना देखे हों या कभी ना पढ़े हों। अच्छा नया क्वेश्चन आए तो उससे घबराना नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसको देखना है, गूगल में देखना है, कहीं कहीं कोई बुक से देखना है, उसको समझना है अच्छे से और उसके बारे में पढ़ना है। इन्हें कि बस नया क्वेश्चन आया हम उसको छोड़ दिए तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है नया क्वेश्चन भी आ जाए। फाइनल हमारा क्या रहा, तो हम अगर बात करें कि हमारा टारगेट कम से कम कितना होना चाहिए कि हमारा CBT 2 क्लियर हो जाएगा, तो जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में मान लीजिए कि 35 नंबर है, रीजनिंग में 35 नंबर है, तो दोनों को अगर हम मिला दें तो 70 नंबर हो रहा है, तो 70 में कम से कम आपको 60 से 65 नंबर आपको आना चाहिए। CBT 2 है, यहाँ कंपटीशन हार्ड मिलेगा तो उसी अनुसार आपको नंबर भी लाना पड़ेगा। तो अगर 60 नंबर भी आप यहाँ ले आते हैं और उधर से 50 में से कम 35 नंबर, कम से कम 35 नंबर बोल रहे हैं, 35 से 40 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो 95 नंबर का कम से कम 95 से 100 नंबर का कम से कम आपका टारगेट एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए ताकि आपका आराम से CBT 2 क्लियर हो जाए। ये बोलिएगा बहुत ज़्यादा है, तो बोला जाता है कि आप ज़्यादा का टारगेट बनाएंगे तभी तो मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना कि थोड़ा सा टारगेट आप हाई रखिए तभी जाके आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।